फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनाथ सिंह के करीब माने जाने वाले बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया। हमला उस दौरान हुआ जब तेवतिया मुरादनगर से कवि नगर अपने घर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने तेवतिया पर 100 राउंड फायरिंग की, जिसमें तेवतिया के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद 5 और लोग भी घायल हुए हैं। तेवतिया पर हुए हमले के मामले में एक महिला कांस्टेबल समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले में बागपत में तैनात महिला कांस्टेबल सुनीता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुनीता नामी बदमाश राकेश हसनपुरिया की पत्नी है। हसनपुरिया 2003 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि तेवतिया ने उसकी मुखबिरी की थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 10 दिनों के विपक्षीय से लौटते ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। केजरीवाल ने पार्टी नेताओं को राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी है। खुद केजरीवाल पंजाब का जिम्मा अपने पास रखेंगे, जबकि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में अगले साल के अंत में चुनाव होंगे, जिसके लिए अभी से जल मंत्री कपिल मिश्रा और आशुतोष को गुजरात का जिम्मा दे दिया गया है। पार्टी नेताओं को सितंबर के पहले हफ्ते से काम पर लग जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन नेताओं को हर महीने 10 से 15 दिन अपने राज्यों में बिताने के निर्देश भी दिए गए हैं। कश्मीर में एहतियाती तौर पर अधिकारियों ने सरकारी BSNL की पोस्टपेड सुविधा को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल टेलीफोन सेवाओं पर आज प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़पों को देखते हुए किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने शुक्रवार को कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुलिस का कहना है कि घाटी में हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, सुपौर, पैगाम के अलावा सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा। अलगाववादियों ने 18 अगस्त तक बंद का आह्वान किया है, लेकिन लोगों को कुछ निश्चित दिनों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सामान्य गतिविधियां जारी रखने को कहा है। सभी वरिष्ठ अलगाववादियों नेताओं को पिछले 35 दिनों से हिरासत में रखा गया है। मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने 16 साल तक चले अपने अनशन को समाप्त कर दिया है, लेकिन अनशन तोड़ते ही उन लोगों ने इरोम का साथ छोड़ दिया है जो अब तक उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे। जब वह अपने एक दोस्त के घर रहने गई तो लोगों ने उन्हें वहां घुसने नहीं दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय इस्कॉन मंदिर ने भी उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। शर्मिला अब उसी अस्पताल में रह रही है जहां अनशन के दौरान वह 16 साल तक रही थी। शर्मिला के पास ठिकाना नहीं होने की खबर जब अभिनेत्री रेणुका शहाणे को लगी तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उन्हें अपने साथ रहने का न्योता दे दिया। उन्होंने लिखा, इरोम शर्मिला, यदि आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको रखने को तैयार हो तो कृपया आप मेरे साथ यहाँ मुंबई में रह ले, ये मेरा सौभाग्य होगा। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के सबसे कामयाब सितारे रहे हैं सलमान खान, जिनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और प्रशंसकों को हमेशा इंतजार रहता है कि अब सलमान किस फिल्म में किस रूप में दिखाई देंगे। इस वक्त भी वे कबीर खान की ट्यूबलाइट में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ चीनी अभिनेत्री झूझू नजर आएंगी और दर्शकों को बेसब्री से उसका इंतजार है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई इसके बाद वर्ष 2012 में आई अपनी ही हिट फिल्म एक था टाइगर के सीक्वल में काम करेंगे, जिसे अस्थाई तौर पर टाइगर जिंदा है के नाम से पुकारा जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार दबंग सलमान खान की एक था टाइगर यशराज बैनर के तले बनी फिल्म थी, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया था, लेकिन इस सीक्वल के निर्देशन का जिम्मा सलमान की ताजा तरीन फिल्म सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर को सौंपा गया है। उज्जैन में मई में हुए सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोपों में कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है। कांग्रेस सिंहस्थ के बाद से ही भ्रष्टाचार का कुंभ नाम से सरकार को घेरने में लगी है और अब आज युवा कांग्रेस उज्जैन ने एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि कुंभ गर्मी में हुआ, लेकिन सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इस दौरान लगभग 30 लाख रुपए की वैसलीन की शीशियां खरीदी गई। विधानसभा सत्र में ही कांग्रेस ने सरकार पर सिंहस्थ को लेकर बड़े आरोप लगाए थे, जिसके कारण पूरे मानसून सत्र के दौरान हंगामा होता रहा। कांग्रेस के मुताबिक सिर्फ अस्थायी टॉयलेट पर ही सरकार ने 156 करोड़ से अधिक फूंक दिए। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विक्रेताओं तक को टॉयलेट बनाने के ठेके दे दिए गए।
दिल्ली के सुभाष नगर में एक शख्स को टक्कर मारकर भागने वाले टेम्पो ड्राइवर राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी टेम्पो भी जब्त कर ली गई है। राजेश को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजेश पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी नीचे उतरा, लेकिन उसने पीड़ित की कोई मदद नहीं की और वहां से फरार हो गया। दरअसल मोताबोर नाम का व्यक्ति अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद कल सुभाष नगर से पैदल DDU अस्पताल की ओर अपने घर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मारी। इसे वह सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने उतरकर कुछ देर उसे देखा और फिर टेम्पो लेकर भाग गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उससे समस्या ही खड़ी होगी। मुखर राजन को प्राय सरकार के आलोचक के रूप में देखा जाता है। एक साक्षात्कार में राजन से मोदी के बारे में राय पूछी गई थी। इस पर राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस सवाल को टाल दूंगा। मैं जो भी जवाब दूंगा उसे समस्या खड़ी होगी, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। राजन का मौजूदा कार्यकाल 4 सितंबर को पूरा हो रहा है। सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर टिप्पणी सहित कई मुद्दों पर राजन के बयानों से विवाद हो चुके हैं। गवर्नर पद पर आगे का कार्यकाल नहीं लेने की उनकी घोषणा के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार उनके मुखर बयानों से असहज थी। गुजरात से लाए गए शेरों को इटावा के जंगल रास नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में 5 शावकों को मिलाकर 9 शेरों की मौत हो चुकी है। इस वक्त इटावा की लॉयन सफारी में 7 शेर बचे हैं, जिसमें से एक शेरनी की हालत खराब है और उसका बचना मुश्किल लगता है। लॉयन सफारी नहीं बना पाने का दर्द मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुद बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर बीमार शेरों की हालत में सुधार करने के लिए उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए वो तैयार है, लेकिन इटावा में लॉयन सफारी वह हर हालत में बनाना चाहते हैं। लॉयन सफारी 350 हेक्टेयर में बनाया जाना है। इसके लिए सालों से तैयारी भी की जा रही है। दरअसल जंगली बबुल की झाड़ियां शेरों के यहाँ रहने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने जंगली बबुल की झाड़ियों को काटकर ये छायादार पेड़ लगाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।